नालंदा जिले में जहरीली शराब से एक दर्जन मौत के बाद भी राजगीर के जंगलों में धड़ल्ले से देसी शराब का निर्माण किया जा रहा था। आश्चर्य तो यह है कि जिम्मेवार विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी, जबकि विभाग कई जगहों पर ड्रोन उड़ाकर शराब बरामदगी का दावा कर रहा था। मीडिया के माध्यम से राजगीर के वन क्षेत्र में अवैध रूप से देसी शराब निर्माण की सूचना मिलने पर डीएम शशांक शुभंकर ने त्वरित संज्ञान लिया। पुलिस उत्पाद एवं वन विभाग के पदाधिकारियों को फौरन कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर, उत्पाद अधीक्षक नालंदा तथा वन विभाग के पदाधिकारियों के नेतृत्व में राजगीर के महादेव कोला पहाड़ी के वन क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापामारी के क्रम में लगभग 2000 लीटर अवैध छावा महुआ, 30 लीटर चुलाई शराब स्थल पर ही विनष्ट किया गया। इस दौरान अवैध शराब के निर्माण में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर विभाग अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। कल शायद मीडिया में खबर आई थी कि राजगीर के जंगलों में कहीं अवैध शराब बनाया जा रहा है। डीएम साहब तक ये बात पहुंची थी, उन्होंने थोड़े संज्ञान लेते हुए एसआईटी पीएम को छापेमारी करने के लिए बोला। तो एक उत्पाद विभाग, स्थानीय पुलिस, राजगीर थाना और वन विभाग के द्वारा तीनों पर संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है और उसमें जो होता है 2000 करीब जो होता है फर्मेंटेड जो होता है जवा महुआ, जो जिसको और नियमित शराब कहा जा सकता है, जो चूल्हा नहीं होता है, और 30 लीटर चुलाई शराब होता है जो तैयार था उसको जब्त किया गया। उसके साथ एक महिला जो बनाने वाली कटिपा पकाया जा रहा है कि बनाने वाली है, इसको गिरफ्तार किया गया और स्थानीय प्राधिकार जो था राजगीर थाना को दे दिया गया है प्रचारित करने के लिए। इस सारे जगहों पर जो था हम लोग नज़र रख रहे हैं ताकि फिर से दोबारा ऐसी घटना न हो।